एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता है कि ये वीडियो क्या है और मेरे फेस का एक्साइटमेंट देखकर भी आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही बेसिक नॉर्मल मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग इंटरनेशनल एंड ट्रैवलिंग टू जर्मनी मैं शेयर करूँगी कि क्या था, कैसा था, क्या हुआ। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला वीडियो नहीं होगा क्योंकि मैं खुद भी पूरी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा डरी तो नहीं, बट हाँ ऐसा एक ब्लैंक सा फीलिंग था। और अब बस पूरा एक्सपीरियंस दिल्ली एयरपोर्ट का, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ का इमिग्रेशन और बाकी सारी चीज़ों का प्रोसेस, और उसके बाद मैं आगे अपने वीडियोस में अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी, अपना ट्रैवल, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। आज है 1 अप्रैल, मेरी फ़्लाइट 1:40 पे है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, मुझे एयरपोर्ट पहुँचने में अराउंड 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो मैं निकलूँगी अराउंड 8 o'clock। बस लास्ट मिनट पैकिंग, सारी चीज़ों को रख रही हूँ। बहुत मिक्स्ड सी फीलिंग है एंड यस, होपफुली एवरीथिंग गोज वेल। एयरपोर्ट पे एंट्री करने के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो होगा लगेज डिपॉजिट करने का। लगेज डिपॉजिट के लिए आपको दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि आप अपने जो घर से ही अपने एयरलाइंस के पूरे रूल्स पढ़कर आएँ रिगार्डिंग दी लगेज। अगर आप एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं तो यू आर गुड टू कैरी वॉट एवर अमाउंट आप चाहते हैं कैरी करके लाना। अदरवाइज़ घर से ही अपने बैग को जो है उसको वेट करके लेकर आएँ। सपोज़ दैट आपकी आपका जो एयरलाइंस है वो आपको अलाउ करता है 23 kg का एक बैग ले जाना या दो बैग ले जाना, तो आप 23 kg के अंडर ही 21 या 22 के अराउंड ही अपना जो बैग का वेट है वो रखें। बिकॉज़ मैंने देखा है अपने आँखों के सामने लोगों को बैग से अपना या तो सामान निकाल कर फेंकते हुए या फिर उन्हें एक्स्ट्रा अराउंड 20,000 to 25,000 rupees वो आराम से आपसे चार्ज कर सकते हैं एंड लोगों ने उतना भी पे किया है। अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं तो हमेशा घर से अपना जो बैग है उसको वेट करके लेकर आएँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ योर एयरलाइंस। दूसरी चीज़, कैरी ऑन में कोई भी लिक्विड या फिर शार्प या फिर फ्लेमेबल चीज़ आप ना कैरी करें, अदरवाइज़ वो ऑफकोर्स उसको निकाल देंगे और कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है कि यू नो दे पनिश यू, बट इट्स जस्ट दैट कि वो निकाल के वहाँ ही रख लेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम घर से कोई चीज़ परचेज करके लेकर अपने कैरी ऑन में रखें और फिर उसे वहीं पर छोड़ दें। सामान को वेट करने के बाद वो आपको टिकट देंगे जो आपको हमेशा संभाल के रखनी है। इवन आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के बाद भी, मैंने थैंकफुली टिकट रखा था। यहाँ आने के बाद जब मुझे इंश्योरेंस करवाना पड़ा तो उन्होंने मुझसे मेरे टिकट्स भी मांगे, बिकॉज टिकट एक ऐसी चीज़ है जो जनरली हम हमेशा अपने साथ नहीं रखते हैं। यू नो जब ट्रैवल ख़त्म हो जाए तो जो अपने इंटरनेशनल टिकट्स हैं वो आप हमेशा संभाल कर रखें। लगेज डिपॉजिट करने के बाद हमें जाना है इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ, जहाँ पर वो आपसे जो भी उनका मन करे वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, लाइक जनरली कोविड टेस्ट, RT-PCR टेस्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो कॉलेज के लेटर्स हैं वो मांग सकते हैं। अगर आप वर्क से बिजनेस से ट्रैवल कर रहे हैं तो बिजनेस पेपर्स मांग सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो फिर वो आपके वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर मूड एंड दी सिचुएशंस गोइंग अराउंड। मुझसे उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा कि मैं क्यों जा रही हूँ, मेरा पासपोर्ट देखा, टिकट देखा और दैट्स इट, उन्होंने स्टैम्प लगा कर दे दिया। बट मैंने देखा कि कुछ लोग थे जिनके पास इतने मोटे मोटे यू नो पासपोर्ट्स थे, तो वो उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि आप इतनी सारी जगह क्यों ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर जाके क्या करते हैं, तो एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो यस, मेरा पूरा प्रोसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्मूथ था। इनिशियली मैं थोड़ी सी घबराई हुई ज़रूर थी, यू नो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या पूछेंगे, कैसे। तो यस, एवरीथिंग वाज स्मूथ थैंकफुली। इमिग्रेशन के बाद जो हम अपना कैरी ऑन लगेज है
वो चेक कराएंगे इन सारी जगहों के, ये जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, तो यहाँ पर यू नो कैमराज और फोन उतना क्लिक करना या वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं होता है। इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं लिया। एंड यू नो द होल प्रोसेस, मेरा पहली बार था ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल करना, तो मैं खुद अपने में ही थी कि ओके यहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है, तो आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम टू एक्चुअली शूट एवरीथिंग अराउंड। तो यस, ये सारा प्रोसेस करवाने के बाद में वी आर ऑल सेट टू फ्लाई। अब मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स द फूड कोर्ट और वेटिंग एरिया। जाने के टाइम पे बहुत ही मस्त सा एक शॉपिंग एरिया है, जहाँ पर अगर आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप फूड कोर्ट जाकर कुछ खा सकते हैं। अगर आपने घर से कुछ नहीं लाया है तो आपके पास अगर मास्टर वीज़ा कार्ड्स होते हैं तो उसमें ऑफर्स होते हैं, जो आप एयरपोर्ट लाउंजेस का एक्सेस होता है, जहाँ पर आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर मतलब थ्रू आउट द टाइम वहाँ पर खाना अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पर लंच कर सकते हैं। मैंने लंच किया था, खाना ठीक ठाक था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नहीं था, बट यस ऑप्शंस बहुत सारे थे और ना बहुत ही अच्छा सा लाउंज था वो। लंच करने के बाद फिर मैं चली गई अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, और वहाँ पर जाके फिर बस मैंने थोड़ी देर वेट किया, और फिर जैसी बोर्डिंग स्टार्ट हुई मैं पहुँच गई फ्लाइट के अंदर। ये जो माउंटेंस का व्यू था, ये वन ऑफ द बेस्ट व्यू था, इट वाज सो मेसमराइजिंग। दूर दूर तक सिर्फ ये बर्फ़ में ढके ये पहाड़ी नज़र आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। कैमरा जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता, ना ही कोई भी वर्ड्स। फ्लाइट में जो टीवी स्क्रीन लगा हुआ था उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, बट थैंकफुली मुझे सारा भाई देखने को मिल गया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने पहले ड्रिंक सर्व करी, उसके बाद में फिर मील। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं व्हाइल यू बुक योर टिकट, तो मैंने वेज मील सेलेक्ट किया था, मुझे चाइनीज़ खाना दिया उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई। पेट भरने के लिए खाना ठीक था, आउट ऑफ 5 मैं 2.5 रेट कर सकती हूँ, बट इट वाज फाइन। और इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ फिर मैंने किया अपना लंच, और उसके थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने टी सर्व की, और फिर आ गया मील नंबर 2। तो अगेन सैंडविच थे, नूडल्स थे, और साथ में एक बहुत ही यम्मी सा केक था। तो दैट्स इट, 8 घंटे की फ्लाइट थी मेरी, और अगर आपको नींद आ जाती है तो इट्स अमेजिंग। मुझे नींद नहीं आती फ्लाइट में या बहुत जल्दी कभी भी, तो मेरे लिए टाइम काटना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और फिर बस उसके बाद हम टाइम से ही हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हो गई। प्लेन लैंड होने से पहले जनरली वो कुछ फॉर्म्स फिल करवाते हैं, कोविड का टाइम था इसलिए उन्होंने कोविड से रिलेटेड फॉर्म्स फिल करवाए। 2 फॉर्म्स दिए थे, एक उन्होंने बोला था अपने साथ रखना, जिसको हम यू नो शो करके 72 आवर्स तक फ्री RT-PCR टेस्ट करवा सकते थे, जिसमें उन्होंने जो डिटेल्स मांगे थे वो थे नॉर्मल फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नेम, जेंडर, और सिर्फ ये सारी बेसिक चीज़ें। मेक श्योर कि आप अपने साथ पेन ज़रूर रखें, बिकॉज सबको अपना फॉर्म भरना होता है, तो नो हम बस वेट करते रह जाते हैं कि कब किसी का पेन फ्री हो और हम उनसे लें, तो इट्स बेटर कि आप हमेशा अपना पेन अपने साथ रखें। लैंडिंग के बाद बारी आती है फिर से इमिग्रेशन की। एयरपोर्ट में उतरने के साथ ही आपको एयरपोर्ट में जो है वाईफाई मिल जाएगा, तो अगर आपके पास उस कंट्री का सिम नहीं है तो आप वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, कैब्स बुक करने के लिए या फिर अपने फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कि आप सेफली पहुंच गए हैं। उसके बाद वहाँ पर बोर्ड्स लगे होते हैं यू नो कि आपको किस तरफ जाना है, अगर आपको बैग कलेक्ट करने जाना है तो बैगेज क्लेम की तरफ या फिर इमिग्रेशन की तरफ। ऑफकोर्स हमें इमिग्रेशन की तरफ ही जाना होता है, इमिग्रेशन में वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, यू नो सारे कंट्रीज़ के लोग होते हैं, सारे लोग होते हैं, सब डरे हुए होते हैं, सबके दिमाग में बस एक ही सवाल रहता है कि यू नो कि अभी वहाँ पे काउंटर पे जाके क्या होगा। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अगेन डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे हैं तो वो सिर्फ आपसे वही पूछेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगेन यहाँ पर भी उन्होंने सिर्फ मेरा पासपोर्ट और टिकट देखा, वीज़ा देखा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों आए हो यहाँ पे और कहाँ जा रहे हो। मैं फ्रैंकफर्ट पे लैंड हुई थी और मुझे जाना था बर्लिन, तो मैंने बताया कि उन्हें मैं बर्लिन जा रही हूँ और मैं यहाँ काम करने आई हूँ,
तो यस दैट्स इट. और उन्होंने यू नो दैट ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड यू नो ही वेलकम मी टू हिज कंट्री. उन्होंने स्टैम्प लगाया और वो बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस था मेरा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी अंदर से उन्हों की, वो अभी ये क्या पूछने वाले हैं कि यू नो वो मुझसे पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. एंड आई वॉज रेडी विथ ऑल दी फाइल्स. उसके बाद हमें जाना है बैग क्लेम करने के लिए. तो बैग क्लेम करने के लिए अगर आपने ऑलरेडी जर्मनी आप आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपने जर्मनी के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि वहाँ में जो ट्रॉली लेने के लिए 1 यूरो पे करना होता है. मेरे पास कैश था बट मेरे पास कॉइन्स नहीं थे क्योंकि इंडिया में कहीं भी कॉइन्स मिल ही नहीं रहा था. मैंने अपने इंडिया का ही क्रेडिट कार्ड यूज़ किया वो 1 यूरो पे करने के लिए टू गेट दैट ट्रॉली. और थैंकफुली उन्होंने जो नॉर्मल रेट है वो ही चार्ज किया, इसके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं किया. तो आप अपना जो इंडिया का कार्ड है वो इजीली यूज़ करके पे कर सकते हैं. तो यस ये था मेरा पूरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम अलोन टू सम अनदर कंट्री. पूरी जर्नी में मैं थोड़ी सी घबराई हुई ज़रूर थी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमिग्रेशन एंड बैग डिपॉजिट, बिकॉज हालांकि मैं घर से वेट कर आई थी बट स्टिल यू नो यू नेवर नो कि मे बी हमारे वेट मशीन में कोई प्रॉब्लम है या उनके वेट मशीन में कोई प्रॉब्लम है. और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एक्स्ट्रा पे करूँ. तो यस आप भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर कुछ पैसे सेव कर सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग. यस पूरा प्रोसेस पूरी जर्नी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्मूथ थी. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और आगे ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए, जर्मनी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइप के वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ज़रूर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं यू नो हर रोज़ चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ. सो मे बी वी कैन कनेक्ट देयर एज वेल. तो अब हम मिलेंगे बहुत ही जल्द होपफुली अपनी दूसरी वीडियो में. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. बाय.